नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चबलक पर। दोस्तों आज की स्टूडियो में बात करेंगे पीटीटी आंसर की 2020 के बारे में। 16 सितंबर 2020 को हुए पेपर में आए मेंटल एबिलिटी के यानी मानसिक अभियोग्यता के 50 प्रश्न अगले 10 मिनट में हल करेंगे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपके इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर जो टीचिंग एप्टीट्यूड उसके 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, साथ ही हिंदी के 50 क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर की पहले से अपलोडेड है। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके या चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। दोस्तों मेंटल एबिलिटी में आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वो किस इस प्रकार से था, निम्न श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। इसमें आपको दे रखा था 3, 7, 23, 95, तो इसका सही उत्तर था आपके 479, 479 इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर था। देन फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन था पथरी का संबंध जिस प्रकार से साफ पानी से होता है उसी प्रकार से नमकीन पानी का संबंध, पर्च है यहाँ पर, पथरी नहीं है, पर्च है, तो संबंध साफ पानी से होता है उसी प्रकार नमकीन पानी का संबंध, तो इसका सही उत्तर होगा आपके कांड, ये मछली का नाम है। देन फ्रेंड्स बात करते हैं आगे, तो अगला क्वेश्चन था वर्त का संबंध जिस प्रकार से परिधि से, तो वर्त के चारों ओर क्या होती है, परिधि, उसी प्रकार से वर्ग का संबंध होगा, तो वर्ग का क्या होता है फ्रेंड्स, परिमाप होता है, वर्ग का क्या होता है, परिमाप, तो सही उत्तर हो जाएगा परिमाप। अगला क्वेश्चन था श्रृंखला को पूरा कीजिए, कुछ इस तरह की श्रृंखला दे रखी थी 16, 24, 36 और बाद में यहाँ पर रिक्त स्थान और 81, तो यहाँ पर आपके आएगा 54, क्या आएगा खाली जगह में 54 आएगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से था, आपको यहाँ पर तीन तीन संख्याएं दे रखी थी और यहाँ से संख्या को पूछ लिया था कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर था 5। देन फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन दे रखा था GRASP को BMVN के लिखा जाता है, तो CRANE को क्या लिखा जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर था फ्रेंड्स XMVIZ, क्या उत्तर था XMVIZ। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था असंगत को छांटे, और इसमें यहाँ पर आपके ऑप्शन थे रिया, ट्राउट, लेप्री, सेलमन, तो इसमें जो असंगत है वो होगा फ्रेंड्स रिया, रिया इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था असंगत को छांटे, इसमें आपको दे रखा था मलेरिया, प्लेग, डेंगू, टिटनस, तो इसमें सही उत्तर होगा आपके टिटनस, ये तीनों नहीं होंगे, इसका सही उत्तर होगा आपके टिटनस, टिटनस एकदम करेक्ट आंसर होगा। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था आपके यहाँ पर कोडिंग का, जिसमें लिख रखा था सेंड को SMZW लिखते हैं, कम को XLNV लिखते हैं, तो मिल्क को क्या लिखा जाएगा, तो फ्रेंड्स मिल्क को लिखा जाएगा आपके NROP, NROP इसका करेक्ट आंसर होगा NROP। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था लुप्त पद बताना था आपको इस श्रृंखला में, कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको दे रखी थी श्रृंखला, तो यहाँ पर जो आपके लुप्त पद आएगा वो आएगा आंसर 30, करेक्ट आंसर होगा आपके 30। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था श्रीमान नवीन उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहाँ से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, तब वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, इसके प्रारंभिक बिंदु से अब वह किस दिशा में खड़ा है, तो इस क्वेश्चन का आपके सही उत्तर होगा पूर्व दिशा में। देन फ्रेंड्स कोडिंग का सवाल था दिल्ली को 73,541, कलकत्ता को 82,56,62, तो कलिकत को क्या लिखा जाएगा, तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा आपके 82,51,89,6 इसका करेक्ट आंसर आपके होगा। फ्रेंड्स आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत ही जल्द आपको अंग्रेजी की जो आंसर की है उसका वीडियो भी उपलब्ध हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम आधे वर्णों को पलट दिया जाए और के तथा आर के मध्य कितने वर्ण उपस्थित होंगे, तो सही उत्तर था आपके इसमें 14 यानी 14 इसका सही उत्तर था। देन फ्रेंड्स आपको बारंबारता से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें यहाँ पर कुछ इस तरह से आंकड़े दे रखे थे और इसका जो सही उत्तर था वो था आपके 856, ये एकदम इसका करेक्ट आंसर था। देन फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन किया गया था 21 लड़कों की एक पंक्ति में राम को दाई और 4 स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, बाईं ओर से 12वां बन जाता है, प्रारंभ में पंक्ति के दाएं छोर से उसका क्या स्थान था, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपके 14 यानी 14 स्थान था उसका प्रारंभ में। देन फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि EJIFYGGXKHWL तो आगे का यहाँ पर कौन आएगा, तो इस श्रेणी को आपको पूरा करना था, इसका उत्तर आएगा आपके IVM इज करेक्ट आंसर। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था यदि जोड़ का अर्थ गुणा, घटाने का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ घटाना, भाग का अर्थ जोड़ना, तो इसको आपको सॉल्व करना था, इसमें आपको बोर्ड मार्क्स लगाना था, इसका सही उत्तर आएगा आपके 478 478, इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था
यदि रीना 1 से 100 तक की सभी पूर्णांक संख्याएं लिखती है तो वह कितनी बार 7 लिखती है? तो इस क्वेश्चन का आपके सही उत्तर था 20 बार। देन फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था आपके यहाँ पर इफेक्टिव को आपको यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब बनाना था। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जब भी दर्पण प्रतिबिंब बनता है तो जो भी अपना अल्फाबेट होता है उसका बायां भाग दायां हो जाता है और दायां भाग बायां हो जाता है। तो कुछ इस तरह से आपका ये दर्पण प्रतिबिंब बनता। ऐसा अगर आपने बनाया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर का नीचे नहीं होगा, केवल दायां बायां ही चेंज होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं आई और बी सेम रहेगा और ई इस तरह से हो जाएगा। ये आपके एकदम करेक्ट आंसर होगा। देन फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था मोहन पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है और दक्षिण में मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, तो आरंभिक बिंदु से वह कितना दूर है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर था आपके 5 किलोमीटर। देन फ्रेंड्स आपको असंगत को छांटना था, तो असंगत को छांटने में इसका जो सही उत्तर था वो यहाँ पर आपको चतुर्थ आकृति बतानी थी इसमें कि ये आकृति इसके बाद आती है, ये आकृति इसके बाद आती है, तो यहाँ पर कौन सी आकृति आपको आएगी? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आपके सही उत्तर था ये बी वाली आकृति। ये वाली आकृति इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, आपके बी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। देन फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछा गया था यदि किसी निश्चित कूट भाषा में बैट को 40, हेड को 160 तो कैट को कितने के बराबर लिखा जाएगा? तो इसका सही उत्तर था आपके 60 यानी 60 के बराबर। देन फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा था और पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था किस विषय में विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या है? तो इसमें फ्रेंड्स आपके जो सही उत्तर होगा वो होगा बिल्कुल विज्ञान विषय में। किस विषय में होगा? विज्ञान विषय में। आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे अधिक स्टूडेंट्स आपको दिख रहे हैं वो विज्ञान विषय में ही दिख रहे हैं, तो आप बिना इसको सॉल्व किए इसका आंसर कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स इससे संबंधित दो और क्वेश्चन थे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अंत में। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन था रबड़ को बॉक्स, बॉक्स को पेंसिल, पेंसिल को शॉर्पनर, शॉर्पनर को बैग कहते हैं, तो बच्चा किससे लिखेगा? तो इसमें सही उत्तर होगा आपके शॉर्पनर से। इसका सही उत्तर था शॉर्पनर। देन फ्रेंड्स घड़ी से संबंधित आपसे क्वेश्चन था घड़ी में 3 और 4 बजे के बीच में कितने बजे घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत या 180 डिग्री का कोण बनाएगी? तो इसका सही उत्तर था आपके 3:49 आपने यदि उत्तर किया है तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया था जूल का संबंध जिस प्रकार से ऊर्जा से है उसी प्रकार पास्कल का संबंध किससे होगा? तो जूल क्या है? ऊर्जा का यहाँ पर मात्रक है, तो पास्कल का मात्रक क्या होता है? पास्कल किसका मात्रक होता है? दाब का। तो दाब इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपने दाब उत्तर किया है तो आपका एकदम करेक्ट आंसर है। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था एक फोटो में एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है कि मेरी पत्नी की सास की इकलौती पुत्री है, औरत का आदमी से क्या संबंध है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में जो सही संबंध है वो होगा बहन का। यह औरत इस आदमी की क्या लगती है? बहन लगती है। देन फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था एक लड़की की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, वह लड़का वीना से किस प्रकार से संबंधित है? तो वीना उस लड़के की क्या होगी? सिस्टर होगी। यदि आपने सिस्टर किया है तो एकदम करेक्ट आंसर होगा। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था इस तरह से यहाँ पर पेपर कटिंग से संबंधित, तो आपको यहाँ पर पेपर कटिंग से संबंधित यहाँ पे दे रखा है कि इस प्रकार से इस पेपर को यहाँ से काटना है, फिर ऐसे काटना है, फिर ऐसे और ऐसे काटना है, तो यहाँ पर कौन सी आकृति बनेगी? तो यहाँ पर जो सही उत्तर था वो था आपकी ए आकृति। ए अगर आपने किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देन फ्रेंड्स एक क्वेश्चन था एक सर्वेक्षण में 70% लोगों के पास 75% लोगों के पास टीवी है, यदि 55% लोग टीवी और कार दोनों रखते हैं तो कितना प्रतिशत लोगों के पास या तो कार है या टीवी नहीं है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही उत्तर था आपके 10%। देन फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन था एक निश्चित कूट भाषा में डम पुल टैट मतलब ब्रिंग ये सारा कुछ दे रखा था, तो इसमें आपको बताना था कि हॉट किसका मतलब हॉट है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कोशिश की पर इसका उत्तर नहीं निकला क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके आंकड़े अपर्याप्त थे, यानी पूर्ण रूप से यहाँ पर आंकड़े नहीं दे रखे जिससे इसको सॉल्व किया जा सके। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था आपके ए सी का पिता है, डी बी का पुत्र है, ए का भाई है, सी डी की बहन है, तो बी किस प्रकार से ई से संबंधित है? सही उत्तर होगा बी ई की भाभी है। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था यदि कॉन्स्टिट्यूशनल के वर्णों का प्रयोग करते हुए निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन था टैलेंट, टैलेंट इसका एकदम करेक्ट आंसर था क्योंकि इसका प्रयोग करते हुए टैलेंट शब्द को नहीं बनाया जा सकता। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था दी गई आकृति में कितने लोग क्रिकेट तथा टेनिस पसंद करते हैं? तो इसमें जो आपके सही उत्तर था वो था 32 यानी 32 लोग क्या करते हैं? क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था ए बी सी डी ई एफ जी एक थिएटर में बैठे हैं, सभी का मुंह पूर्व दिशा की ओर है, सी डी के एकदम बाएं बैठा है, बी एक चरम छोर पर बैठा है, ई उसका पड़ोसी है, जी और
ई और एफ के बीच में डी बैठा है। दक्षिण छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। प्रथम निम्न में से कौन सी व्यक्तियों की जोड़ी चरम छोर पर बैठी है? तो चरम पर कौन सी व्यक्तियों की जोड़ी बैठी है, तो इसका सही उत्तर होगा आपके ए बी। ए बी दोनों ही कहां पर बैठे हैं, चरम पे। देन फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन था यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तथा इसी प्रकार सभी, तो दक्षिण पश्चिम की दिशा परिवर्तन के पश्चात क्या होगी? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही उत्तर था पूर्व। देन फ्रेंड्स आपको चतुर्भुज से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें कि आपको चतुर्भुजों की संख्या बतानी थी, तो कुछ इस तरह का चित्र आपको दे रखा था। इसमें टोटल नंबर ऑफ चतुर्भुज कितने होंगे ये आपसे पूछा गया था। इसका सही उत्तर होगा आपके 11 यानी 11। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था दिशा से संबंधित। मेरा मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, मैं दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता हूं, फिर मैं दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता हूं, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता हूं, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता हूं, पुनः दाएं मुड़कर 60 मीटर चलता हूं, तो आरंभिक बिंदु से किस दिशा में मुंह है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा उत्तर पूर्व में। क्या होगा? उत्तर पूर्व में। यदि आपने उत्तर पूर्व किया है तो एकदम क्वेश्चन सही हो जाएगा। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था सिक्कों से संबंधित। 20 पैसे 25 पैसे के कुल 324 सिक्के, 71 रुपये की राशि बनाते हैं, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो सही उत्तर था आपके 124। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन था 40 विद्यार्थियों की कतार में अगर कशिश का स्थान दाई तरफ से 21वां तथा दीपक का स्थान बाई तरफ से 23वां है, तो बताओ पंक्ति में उन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? सही उत्तर होगा इसका आपके फ्रेंड्स 2। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन था रवि की आयु सोहन की आयु से दुगनी है, 3 वर्ष पूर्व रवि की आयु में सोहन की आयु से 3 गुनी थी, वर्तमान में रवि की आयु क्या होगी? इस क्वेश्चन का सही उत्तर था आपके 12 यानी 12। दिन फ्रेंड्स यहां पर आपके दिन से संबंधित क्वेश्चन आया जो कि आज था 14 जून 1993 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो इस दिन को दिन था आपके सोमवार, मंडे इज करेक्ट आंसर। देन फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन था गणतंत्र दिवस पर शनिवार का अवकाश था, अगले माह में 14 की महाशिवरात्रि का फिर अवकाश था, 14 तारीख को कौन सा दिन था? तो सही उत्तर होगा इसका आपके गुरुवार। देन फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आया था आपके वही सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जिसमें कि आपसे पूछा गया था केवल 3 विषय वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आपके जो सही उत्तर था वो था 3 विषयों वाले विद्यार्थियों की संख्या 36। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इसी प्रश्न में कि 4 विषयों वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, तो इसका उत्तर सही था 0। देन फ्रेंड्स आपसे प्रश्न पूछा गया था कुछ इस तरह की श्रृंखला देकर इसमें आपको श्रृंखला भरनी थी, तो यहाँ पर सही होगा आपके ए ए सी बी सी। जिसने भी ए ए सी बी सी भरा उसका एकदम करेक्ट आंसर है। देन फ्रेंड्स यहाँ पर अपने ये 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल जॉबलग पर PTT 2020 से जुड़ी छोटी से छोटी अपडेट का वीडियो अपलोड किया जाएगा। और उसी के साथ आपको यहाँ पर कॉलेज कैसे भरनी है, काउंसलिंग कैसे करनी है, क्या डॉक्यूमेंट जरूरत होंगे, तभी के सभी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में, बने रहिए चैनल जॉबलग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, अन्य विषयों के जो प्रश्न पत्र हैं उनके आंसर की का वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देख लीजिएगा। अंग्रेजी की जो आंसर की है वो बहुत ही जल्द कुछ ही घंटे में आपको चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही जो शिफ्ट फर्स्ट के पेपर हैं उनके आंसर की भी आपको बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएगी। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, बने रहिए चैनल जॉबलग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।